तुर्की 1216 में एक बच्चे का जन्म होता है जिसके साथ किस्मत ने कुछ ऐसा किया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। जब तुर्की पर मंगोल आक्रमण किया और सभी को कैदी बनाने लगा था, तब इस बच्चे को भी कैदी बना लिया गया था। फिर इसे दिल्ली लाया गया और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के दरबार में बेच दिया गया और यहीं से अब इस बच्चे का किस्मत फिर से पलटी मार दी थी। अब इसे यहाँ पर नाम दिया गया था गयासुद्दीन बलबन और ये बहुत सारे कठिनाइयों को झेला, इसलिए अब ये मजबूत इंसान बन चुका था। दिल्ली के दरबार में धीरे धीरे बलबन की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती गई। वो सिर्फ एक गुलाम नहीं था बल्कि अपनी बुद्धिमानी और कूटनीति से वो दरबार के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में शामिल हो गया। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में उठ रहा था, कैसे एक गुलाम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है? क्या उसके पीछे कोई गहरा रहस्य था या फिर वह वाकई अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ रहा था? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली, लेकिन हर कोई जानता था कि असली ताकत बलबन के हाथों में थी। दरबार में कई लोग चुपचाप इस बात की चर्चा करते थे कि बलबन धीरे धीरे सुल्तान की सत्ता को कमजोर कर रहा था। महमूद को अपने ही दरबार में किसी से धोखा मिलने का डर सताने लगा था। और फिर एक दिन जब नासिरुद्दीन महमूद की अचानक मौत हो गई तो पूरा दरबार सन्न रह गया। ये मौत कैसे हुई इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला, लेकिन बलबन ने सुल्तान बनने का जिम्मा तुरंत नहीं उठाया। उन्होंने पहले सुनिश्चित किया कि सल्तनत स्थिर रहे, मानो वो एक महान योजना का हिस्सा थे। दरबारी सोच में पड़ गए, क्या यह सिर्फ किस्मत थी या बलबन की कड़ी मेहनत और नियति का अद्भुत मेल? बलबन ने जब सत्ता संभाली तो ये सिर्फ एक शक्ति हासिल करने का कदम नहीं था, ये एक स्वाभाविक परिणाम था जो उनके वर्षों की निष्ठा, समर्पण और सल्तनत को मजबूत करने की उनकी अद्भुत क्षमता का परिणाम था। महमूद की मृत्यु के पीछे कोई साजिश नहीं थी बल्कि एक स्वाभाविक राजनैतिक विकास था जिसने बलबन को वह ऊंचाई दी जिसका वह हकदार था। बलबन के शासनकाल में सबसे बड़ी चुनौतियां थीं मेवातियों का विद्रोह और मंगोलों के हमले। मेवातियों ने दिल्ली के आसपास के इलाकों में आतंक फैला रखा था, उनका लूटपाट और अराजकता फैलाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा था, आखिर अचानक ये विद्रोह क्यों शुरू हुआ? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये विद्रोह सिर्फ असंतोष का परिणाम नहीं था बल्कि इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र था जिसे आज तक पूरी तरह से उजागर नहीं किया जा सका। क्या मेवातियों को उकसाने वाला कोई और था जिसे बलबन की सफलता खटक रही थी, या ये सिर्फ एक संयोग था? बलबन ने इस विद्रोह को कुचलने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने न सिर्फ अपनी सेना को संगठित किया बल्कि एक गहरी रणनीति के तहत मेवातियों के हर औक गढ़ को तोड़ डाला। पर क्या ये अंतिम जीत थी या इसके पीछे कोई और बड़ी योजना छिपी हुई थी जिसका सामना बलबन को बाद में करना था? इसके साथ ही मंगोलों का खतरा हर समय मंडरा रहा था। मंगोल बार बार दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करते, लेकिन हर बार बलबन उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता। बलबन की ये जीत इतनी आसान भी नहीं थी जितनी दिखती थी। हर बार जब मंगोल पीछे हटते एक सवाल उभरता, क्या बलबन ने अपनी कूटनीति के बल पर कोई छिपा हुआ समझौता किया था या ये उनकी असाधारण युद्ध रणनीति का नतीजा था? कुछ लोग कहते हैं कि बलबन और मंगोलों के बीच कुछ ऐसा था जो कभी सामने नहीं आया। क्या दोनों पक्षों के बीच कोई गुप्त बातचीत चल रही थी जिसे जानने का कोई रास्ता नहीं है? इतिहासकार आज भी इस बात को लेकर अचंभित हैं कि बलबन इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे कर पाया। क्या यह सिर्फ एक मजबूत शासक की सफलता थी या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानकर सब चौंक जाते? बलबन की हर जीत में एक गहरा सस्पेंस है जो इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है। बलबन को न्यायप्रिय शासक माना जाता है, लेकिन उनके न्याय में क्रूरता भी थी। एक बार उनका सबसे प्रिय बेटा महमूद शिकार के दौरान मारा गया। बलबन इस हादसे से बेहद टूट गए थे, लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या यह महज एक दुर्घटना थी या महमूद की मौत के पीछे कोई साजिश थी? बलबन ने शिकार के दौरान लापरवाही करने वाले सैनिकों को कड़ी सजा दी, लेकिन क्या वह सच्चाई जान पाए थे?
बलभन ने अपनी भावनाओं को दरकिनार कर न्याय किया, लेकिन यह दर्द उनके दिल में हमेशा बना रहा। बलभन के बेटे महमूद की मौत के बाद वह पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने अपने पोते कैकुबाद को उत्तराधिकारी चुना, लेकिन क्या कैकुबाद सच में इस काबिल था, या बलभन ने किसी और को नजरअंदाज कर दिया था जो सल्तनत को बचा सकता था? बलभन की मौत के बाद कैकुबाद ने सत्ता संभाली, लेकिन उसकी कमजोरी ने जल्द ही सल्तनत को खतरे में डाल दिया। क्या बलभन ने अपनी सबसे बड़ी गलती अपने उत्तराधिकारी को चुनने में की थी? ये सवाल उनके अंतिम समय तक अनुत्तरित रहा। बलभन का शासन उनकी सख्ती और अनुशासन के लिए जाना जाता है, लेकिन उनके शासन के पीछे कई अनसुलझे रहस्य भी छिपे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली सल्तनत को एकजुट तो किया, लेकिन उनके फैसलों और रणनीतियों के पीछे के कई रहस्य आज भी इतिहास में छिपे हुए हैं। क्या बलभन वास्तव में एक सख्त और न्यायप्रिय शासक थे, या उनकी क्रूरता के पीछे कुछ छिपी हुई चालें थीं? उनकी विरासत हमें ये सिखाती है कि सत्ता के पीछे छिपे सच को समझना हमेशा आसान नहीं होता।